नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शक्ति और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सबका ठिकाना पर। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है हेल्थ इज वेल्थ, जो कि आज सच साबित होती हुई दिख रही है और जिससे आज कोई इनकार नहीं कर सकता। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि हम पिछले 8 महीने से कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ रहे हैं, जिसने हमारी लाइफस्टाइल को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। आजकल सभी लोग इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं और अपने हेल्थ के प्रति जागरूक हो रहे हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करना है और कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचे रहना है। तो दोस्तों, हमें कोरोना वायरस से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो सिर्फ अपना और अपनों का ख्याल रखने की। इम्यून सिस्टम, दोस्तों इम्यून सिस्टम हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के वायरस और बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का होने का खतरा बहुत ही कम है। आपकी इम्यूनिटी ही किसी भी इन्फेक्शन से आपको रिकवर करती है, या यूँ कहें तो ये आपके शरीर का डॉक्टर है। आपको कुछ सावधानी रखनी है जिससे आप COVID-19 के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अगर आपको इन्फेक्शन हो भी जाता है तो बिल्कुल घबराए नहीं, आप इससे रिकवर हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं इम्यून सिस्टम को कैसे इम्प्रूव करें। रोजाना गर्म पानी पिए, काढ़ा पिए, ग्रीन टी पिए, ब्लैक टी पिए और हरी सब्जियां खाएं। कोशिश करें कि आप जब भी पी रहे हो तो गर्म पानी ही पिए, और अगर हो सके तो सुबह खाली पेट एक गिलास गर्म पानी में एक आधा नींबू ऐड करें और एक चम्मच शहद ऐड करें। उसके बाद अगर हो सके तो आप ब्लैक टी पिए, जिसमें आपको काली मिर्च और तुलसी पत्ता ऐड करना है, और अगर हो सके तो आप ग्रीन टी भी पिए। और सबसे ज़रूरी बात, काढ़ा तो ज़रूर पिए। काढ़े में आपको क्या क्या ऐड करना है? काली मिर्च, अदरक, गिलोई, अश्वगंधा, दालचीनी और तुलसी पत्ता। ये सारी चीज़ें ऐड करके आप एक अच्छा सा काढ़ा तैयार कर लें और उसको डेली अपने रूटीन में ले आएँ। दोस्तों, इम्यून सिस्टम इम्प्रूव करने का सबसे बेस्ट सोर्स है साइट्रस फूड, यानी खट्टी चीज़ें, जैसे कि नींबू, संतरा और अंगूर, क्योंकि खट्टी चीज़ों में विटामिन सी पाया जाता है। आप हरी सब्जियां भी खाएं, जैसे कि पालक और हरी गोभी, ये भी एक विटामिन सी का एक अच्छा सोर्स है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने जो कुछ भी बताया है आप उसको अपने डेली रूटीन में फॉलो करें, और ऐसा नहीं है कि आप अगर ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो आपको कोरोना वायरस नहीं होगा, ये बस कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के होने का खतरा कम कर देता है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और बाहर निकलते समय मास्क पहनें और बराबर अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। दोस्तों, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।